नमस्कार एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही बजट फ्रेंडली कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और ये कंपोनेंट जो है इसका मॉडल नंबर है XS FB1621C और ये सोनी कंपनी का है और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली कंपोनेंट है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग मतलब कोएक्शल्स लेना पसंद नहीं करते, उनका एक माइंड बिल्डअप ऐसा हो चुका है कि सर कॉम्पोनेंट की आवाज़ अच्छी है और हमने लेना ही कॉम्पोनेंट है, तो ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है। और इसके अंदर आपको देखिए कि वारंटी कार्ड मिलेगा, ठीक है, इसको भरकर भेजा जाएगा, एक ये मैनुअल होती है, ठीक है, और इसमें आपको ये ट्विटर के माउंटिंग के पॉड्स होते हैं, ठीक है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ऊपर से इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। ये डबल साइड टेप है 3M की, ये पॉड के पीछे लगती है, ये स्क्रूज है माउंटिंग के लिए, ठीक है, एंड ये दो स्पीकर हैं, इनको निकाल लेता हूँ मैं, ये ट्विटर्स दिए हुए इनके साथ, ठीक है। बेसिकली दिस इज अ कोएक्सियल स्पीकर इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर की ये ग्रिल बहुत अच्छी है, इसको मैं देखिए हटा देता हूँ। अब आप ये देख लीजिए, बहुत ही सुपीरियर लुकिंग कॉम्पोनेंट है, देखिए मैग्नेट सेम, पीछे से वेंटेड है, ठीक है, कोएक्सियल्स में वेंटेड नहीं होती, बंद होती है। इसमें अगर बेस आप ज़्यादा लेंगे तो यहाँ से कूलिंग जाएगी कॉइल के अंदर, कॉइल ठंडी होगी, एंड 45 वाट्स RMS का ये स्पीकर है, ठीक है। पेपर कोन है इसका बहुत अच्छा, एंड फोम सराउंड है और बहुत ही शैलो माउंटेड है, किसी भी लोकेशन में आप इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेड इन वियतनाम है, ठीक है, चाइना का नहीं है, मेड इन वियतनाम, ओके। एंड ये ट्विटर देख सकते हैं आप, ठीक है, इसको आप किसी भी स्टॉक लोकेशन में जहाँ पे आप कंपनी से आपने लिया हो, जो कंपनी फिटेड जहाँ पर ट्विटर आते हैं उस लोकेशन में आ जाएगा, वहाँ पर नहीं लगाना तो आपका ए पिलर पर आ जाएगा, ठीक है, और ए पिलर पे नहीं तो कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, इसका पॉड होता है इसके बीच में माउंट हो जाता है, ऐसे भी हो जाएगा अगर आपने ऐसे लगाना है तो, ठीक है। एंड ये देखिए क्रॉसओवर्स दी हुई हैं ट्विटर्स की, ठीक है, और ये जो क्रॉसओवर है ये सिर्फ सिंपल क्रॉसओवर है, ठीक है, इसके अंदर एक कैपेसिटर दिया हुआ है, मेरे हिसाब से 3.3 माइक्रोफेरेड का होना चाहिए ये, एक्चुअली इसके ऊपर एक हीट स्लीव लगी हुई है तो कैपेसिटर्स तो नहीं देख सकता मैं, कौन सा हीट स्लीव मैं नहीं उतारूंगा, ठीक है, बट इसके अंदर एक 3.3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर होगा, 3.3 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट्स या 100 वोल्ट्स का कैपेसिटर होगा, उससे फिल्ट्रेशन होगी, उससे ट्विटर चलेगा। और दोस्तों ये जो कंपोनेंट सेट है ये स्टीरियो से चलाने के लिए है, एम्पलीफायर से चलाने के लिए नहीं है, ठीक है, अगर आप एम्पलीफायर से चलाएंगे तो हो सकता है कि ये जल जाए, ठीक है। और मेरे दोस्त जो जिनका बजट कम है और वो बजट फ्रेंडली कंपोनेंट लेना चाहते हैं, जो स्टॉक स्टीरियो से चलाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है ये कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा हो और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।